किसान मित्रों, ये रक्षक गोल्ड सबसे बड़ा मॉडल है जो 50 एकड़ एरिया तक कवर करता है। ये इसके अगर सामने देखा जाए तो यहाँ पर एक ऑन ऑफ का स्विच है, दूसरे नंबर पे अलार्म का, तीसरे नंबर पे इसमें ये 24 घंटा और 12 घंटा का भी मोड है। अगर दिन में बंद करना चाहते हो, रात को चालू हो जाए तो ये 24 घंटा में ये सेट करना पड़ता है, फिर दिन को बंद हो जाता है और रात को अपने आप चालू हो जाता है। और एक बटन है जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का है, जो अगर ज़्यादा एरिया में लगाना है, 20 एकड़ से ज़्यादा एरिया में, तो इसको हाई वोल्टेज में लगाना पड़ता है, और कम एरिया में लो वोल्टेज। और एक अलार्म सेंसिटिविटी का बटन है, वॉल्यूम बटन, और इसका ये पल्स लिखा है वो बटन मशीन चालू, ये एलईडी लाइट मशीन चालू करने के बाद बंद चालू होते रहता है। और सोलर चार्जिंग के लिए एक एलईडी है, और एक बैटरी लो हो जाने पर एलईडी जलता है वो है। इसके लिए 12 वोल्ट बैटरी का ज़रूरत पड़ता है, इसके लिए तो रिकमेंडेड करते हैं 12 वोल्ट 12 एएच का, लेकिन हमारे पास अभी वो बैटरी नहीं है, तो इसको 12 वोल्ट 7 एएच का बैटरी में हम टेस्ट कर रहे हैं। इसको यहाँ पर प्लग में लगाना है, जहाँ बैटरी लिखा हुआ है, बैटरी इनपुट लिखा हुआ है उसमें लगाना है इस तरह से। और ये सोलर इनपुट लिखा हुआ है, उसमें सोलर प्लेट का ये प्लग लगाना है। जोड़ के दिखाए तो लगे नहीं है, बने इसे हल्का से उठा दे, चालू नहीं हो, नहीं सूरज की रोशनी कम है, अब उठाते इसे ज़्यादा, हाँ तो अब ये मशीन चालू हो गया है, ये मशीन चालू हो गया है, और ये टिक टिक से आवाज़ आ रहा है, और ये पल्स जो लिखा है वो लाइट जल रहा है, लेकिन यहाँ उजाला कारण अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हो। ये सायरन है, जो कोई जानवर का ये संपर्क में आ जाने से अलार्म बजता है, या फिर शॉर्ट सर्किट होने पर भी बजता है। और ये इस तरह से ये जोड़ा जाता है, ये हाई वोल्टेज का एक तार और एक अर्थ पॉइंट जोड़ा जाता है इस तरह से। ये चालू करने के लिए ये आगे शॉर्ट सर्किट है, इसीलिए इस तरह से अलार्म बज रहे हैं। तो हाई वोल्टेज कम पड़ा था, चालू करें, ये आगे शॉर्ट सर्किट होने के कारण इस तरह से बज रहे हैं, अगर वो शॉर्ट सर्किट को हटा देंगे तो ये बजना बंद हो जाएगा। और ये कार्नर बोलते हैं इसको, ये कोना में इस तरह से कार्नर को लगाकर तार को बांधना पड़ता है। और ये इधर ये चार लाइन का तार लगाया गया है, ये प्रत्येक खम्भे में इस तरह से ये इंसुलेटर को बांधा जाता है, ये इस तरह से ये 16 नंबर तार में बांधा गया है, और जो ये लगा है करंट के लिए वो 14 नंबर तार है। ये एक पेड़ था यहीं पर, तो पेड़ में भी ये बांधा है इस तरह से इंसुलेटर को। और इस ये तार हरा घास या कोई पौधे से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो करंट वहाँ लीकेज होना शुरू हो जाता है। ये सब्जी बाड़ी लगाए हुए हैं किसान यहाँ पर, यहाँ बंदर और ये जंगली सुअर भी बहुत परेशान करता था, और ये लगाने के बाद ये बंदर आना छोड़ दिए हैं, साथ में जंगली जानवर और ये हिरन वगैरह भी आता था, वो भी बंद हो गए हैं, और ये गाय भैंस तो आना ही बंद कर दिए हैं। ये हमारा किसान भाई है मुरली साहू, इन्हीं का फार्म है।